किरण कहती है और बहुत सारे किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। जैसे बहुत सारी किरण अगर आ रही है तो ये चली जा रही है, ये किरण पुंज कहलाता है। यानी कि ये कलेक्शन ऑफ रे बहुत सारी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश एक सीधी सरलरेखा में किसी एक माध्यम से किसी एक समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो इसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अब ये बात आपका दर्पण पर आधारित है, तो दर्पण कहते किसे हैं? सबसे पहले प्रश्न उठता है दर्पण कहते किसे हैं। सामान्यतः आप सभी ने दर्पण देखा, बाहर निकालते हैं अपने तैयार होते हैं तो उस समय कंघी जब आप करते हैं तो दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि दर्पण की परिभाषा क्या होना चाहिए, दर्पण कहते किसे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। तो कांच का एक कोई भी समतल जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे पृष्ठ को चमकदार और परावर्तक बना दिया जाता है तो वह दर्पण कहलाता है। अब दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार है, पहला प्रकार है समतल दर्पण और दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण एक कांच की प्लेट जिसकी एक समय पर चांदी की पॉलिश करके उसके दूसरे पृष्ठ को या दूसरी सतह को चमकदार और परावर्तक बना दिया जाता है वो समतल दर्पण के नाम। दूसरा भाग गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जैसे कांच का खोखला गोला है, ठीक है ना, इसको हमने काट दिया इससे एक से कटा हुआ भाग, ये गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर किसी भी एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को चमकदार परावर्तक बना दिया जाता है। तो ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। दो प्रकार के गोलीय दर्पण, एक उत्तल दर्पण दूसरा अवतल दर्पण। अब निश्चित रूप से उत्तल दर्पण की कोई परिभाषा होना चाहिए और अवतल दर्पण की, मतलब इन्हें कैसे डिफाइन करें, हर चीज की परिभाषा होना चाहिए। साइंस हर चीज में प्रूफ मांगता है और परिभाषित होता है। तो उत्तल दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाव होता है, बिल्कुल कोई परिभाषा बोलना है, जो भी गोलीय दर्पण है वो कांच के खोखले गोले के कटे भाव है। तो परिभाषा जब हम बनाएंगे तो उत्तल दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाव होता है जिसके दबे हुए Yeah.
चाहिए, उत्तल, अवतल और समतल, तीन प्रकार के दर्पण मैंने बताया। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के भी दो पार्ट है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो परिभाषाओं से स्पष्ट होगा, एक बार फिर से, गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले होने का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक प्रश्न पर चांदी की। गोलीय दर्पण कांच के खोखले होने का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक प्रश्न पर चांदी की पॉलिश करके दूसरे प्रश्न को चमकदार व परावर्तक बना दिया जाता है। तो ये तो गोलीय दर्पण की परिभाषा होगी। अब गोलीय दर्पण के दो काइंड है, दो प्रकार है, एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जब हम दबे हुए प्रश्न पर पॉलिश करते हैं तो उभरा हुआ प्रश्न चमकदार व परावर्तक बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण होगा। और जब हम उभरे हुए प्रश्न पर जस्ट इसका उल्टा करते हैं तो ये वाला प्रश्न चांदी की पॉलिश से ढक गया तो दबा हुआ प्रश्न चमकदार व परावर्तक बन गया, इसलिए अवतल। अंदर की उधरता हुआ है इसकी अवतल, और ये प्रश्न चमकदार वाला जो प्रश्न उभरा हुआ है इसलिए ये उत्तल। इस तरीके से आपने आज समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, किरण और किरण पुंज के बारे में समझा है। इनके नोट्स मैं भी फिर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आज के लिए होमवर्क कितना है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ठीक है ना, प्रतीक तो आदि वस्तुएं क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा, प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाऊंगा भी। तो आप लोग आज इतना ही करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। आज का काम